लोकपाल बिल का कोई एक वर्जन, और मुझे तो लगता है उसको कई हिस्सों में बांटना जरूरी है। मैं समर्थन करती हूँ जो NCPRI के जो स्टैंड है, अरुणा रॉय और उनके ग्रुप का जो स्टैंड है, कि करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक ये बिल नहीं पास करना होगा, बिल भी तरह तरह के करने होंगे। पब्लिक ग्रीवेंसेस का अलग मुद्दा है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का अलग मुद्दा है, और कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पावरफुल वेपन है हमारे हाथ में करप्शन से लड़ने के लिए। उसको और मजबूत बनाना चाहिए, उसको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसकी जो इतने ऑलरेडी पाइल अप हो गए हैं केसेस, जो सारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बने हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 7 7 8 8 महीने का वेटिंग लिस्ट बन गया है। उसको सॉल्व करें ना, अगर वहाँ पे और लंबी लिस्ट बन जाएगी तो वो कलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही सरकारी अफसर को पता चल जाएगा कि कंप्लेंट तो मेरी 1 साल तक नहीं कोई आगे फैसला होगा, तो इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देगा। तो ये बातें हैं। तो लोकपाल बिल के बारे में मैं और ये सोचती हूँ कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल में लाना इतना आसान नहीं है। पहली बात, उसके लिए हमें सिस्टेमिक या स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़रूरत है। समाज का जो ढांचा है, जो संस्था, जो सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार की, इकोनॉमी की, उसको कई बदलाव लाने ज़रूरी है। जब तक इतनी इनइक्वालिटी रहेगी, जब तक इतनी गरीबी रहेगी, जब तक इतनी शॉर्टेजेस रहेंगी, चीज़ों की कमी रहेगी, तो भ्रष्टाचार तो उसमें से निकलता है ना। जब कोई चीज़ कम होती है तो लोग उसको हासिल करने के लिए कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। अगर कंफर्टेबली चीज़ें अवेलेबल होंगी तो लोग क्यों उसको उसके लिए घूस देंगे किसी को। तो ये सब चीज़ें हमें करनी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भ्रष्टाचार जाएगा। ऊपर से सिर्फ पनिशमेंट से तो कोई भी चीज़ आज तक जो है कंट्रोल में नहीं आई। और मीडिया ने अपना जो मीडिया का एक रोल होना चाहिए उससे कहीं आगे बढ़कर निभाया है। मुझे नहीं लगता है कि अभियान जो है, कैंपेन जो है, उसका अपनी ताकत के बल पे खड़ा होना चाहिए। एक तरह से जैसे आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया, ये बहुत ज़्यादा 24/7 सारा टाइम कवरेज करना। सारा टाइम कवरेज करेंगे तो कुछ एकदम छोटे से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखने लग जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे टीवी चैनल सुबह से लेके रात तक, क्यों सुबह से लेके सुबह तक कवर कर रहे हैं, कोई गैप ही नहीं है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एक तरह से चढ़ाया, और इसमें अब पता नहीं इसमें कॉरपोरेट हाउसेस का क्या रोल है। आफ्टर ऑल मीडिया तो कॉरपोरेट हाउसेस कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं, मीडिया कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो ये भी एक सवाल है हमारे सामने, सोचने वाली बात है कि अगर उन लोगों को सूट नहीं करता तो वो क्या अलाउ करते। इतना खर्चा होता है दिन रात कवर करने का, तो वो अलाउ कर देते, क्यों इतना अलाउ किया। चाहे वो टाइम्स नाउ है, चाहे NDTV है, CNN IBN है, बड़े छोटे हिंदी के, जी टीवी, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने उसको नहीं कवर किया। तो क्या बात है कि ये कुछ लोगों ने ज़्यादा किया, मतलब अग्रेसिवली किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिस जो कि उठाया नहीं जा रहा है, पर ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि ये क्या कारण है कि इतना ज़्यादा इसको पुश किया। और अन्ना हजारे ने अभी खुद इंटरव्यू दिया है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे गांधी कहना बहुत गलत है। तो गांधी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कोई गांधी नहीं बन जाता। गांधी बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल परिश्रम करना पड़ता है, और उनके तरीके, उनकी फिलॉसफी, उनका सब काम करने का ढंग वो अलग था।
सिर्फ एक अनशन करने से तो कोई गांधी नहीं बन जाता। अनशन तो बहुत लोग करते हैं, अब आज कल से वो आंध्रा के तेलंगाना के जो लीडर हैं टीएसआर वो जा रहे हैं फास्ट पे। अभी नरेंद्र मोदी भी 3 दिन के अनशन पे गए, तो क्या अब सब जो अनशन पे जाते हैं वो गांधी बन जाते हैं? तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये हम इतना आसानी से कह रहे हैं ये दूसरा गांधी है, ये दूसरा गांधी है, ये जो लोग कर रहे हैं ये भी मीडिया का ही क्रिएशन है। देखिए वो डिपेंड करता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही और बढ़ेगा। अभी तो लोगों के मन में डाउट भी आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिस्कशन इस पर शुरू हुआ है, तो कई लोग हैं, कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनको स्टडी करके बताया है कि इसमें क्या क्या कमज़ोरियां हैं और इतना सारा पावर एक ही इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए, ये भी एक तरह की तानाशाही ना हो जाए, इतनी बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी और खड़ा करना, इतना बड़ा एक ढांचा और खड़ा करना, क्या गारंटी है कि ये सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व कर देगा? फिर जजेस को इसके अंदर आना चाहिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें सोच समझ के डिबेट करके करने वाली है। सिर्फ एक ग्रुप खड़ा होकर कह दे कि ऐसा ही होना चाहिए तो नहीं हो सकता। और मुझे तो लगता है जनता में बुद्धि है, लोग सोचेंगे इसके बारे में अपना सपोर्ट देने के पहले। मुझे नहीं लगता कि अब और इसके लिए बढ़ता जाएगा। लोगों के मन में करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है क्योंकि लोग करप्शन को भूखते हैं। अब वो करप्शन के खिलाफ लोग खड़े होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनलोकपाल बिल, जैसा कि अन्ना हजारे टीम ने कहा है, उसी के समर्थक हैं लोग। ये हम कैसे कह सकते हैं कि लोग अरुणा रॉय वाला जो बिल है उसके समर्थक नहीं है, या कल को मैं कोई बिल ले आऊँ तो उसके समर्थक नहीं है? कैसे हमको मालूम है? हाँ, लोग करप्शन के खिलाफ, करप्शन से लोगों को गुस्सा है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्टिविस्ट है, ये चीज़ें सोचने वाली है कि यहाँ पे तो एक किसी की जान चली गई, एक यंग वूमन जो कि इतना मेहनत करती थी इस इशू के ऊपर, उसकी जान चली गई और उसको भी नहीं उठा रहे ये लोग। मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, ये सच है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हालांकि ये करप्शन ये नहीं है कि गरीब आदमी को करप्शन अफेक्ट नहीं करती, गरीब को भी करती है, वो भी जब अपने काम कराने किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसको भी अफेक्ट करती है करप्शन। पर इनका जो पूरा, इन्होंने मोबिलाइज ही नहीं किया ना लोगों के लेवल पे, आम जनता के लेवल पे पहुँचे कहाँ हैं? अब फरवरी मार्च में तो डिसाइड किया, अप्रैल में शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी मोबिलाइजेशन होती है। आम जनता को साथ में जोड़ना हो तो जाना पड़ता है गांव में, अपील करना पड़ता है, वहाँ समझाना पड़ता है, ऐसा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो गांव-गांव में पहुँच सके, नीचे तबके के लोगों तक पहुँच सके, ऐसे ही थोड़ी सिर्फ केबल टीवी के थ्रू, केबल टीवी तो नहीं पहुँचती आम जनता को ना। अभी भी कितना प्रतिशत केबल टीवी का रीच? बहुत कम। तो सिर्फ टीवी के थ्रू अगर आप अभियान चला रहे हैं तो उसी वर्ग तक पहुंच सकता है ना जो वो वाला टीवी देखते हैं जिस पे आपका हो। दूरदर्शन तो देख नहीं रहे, दूरदर्शन तो आपको इतना कवरेज दे नहीं रहा। तो आम जनता के पास साधन क्या है आपके पास कि इतना जल्दी सब लोग इस पे जो है इसके पीछे लग जाएंगे? तो इसलिए भी इसकी रीच जो है वो लिमिटेड रही। और कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं इस टाइप के करप्शन वाले, वेग इश्यूज, मिडिल क्लास में भी एक एंगर है करप्शन को लेके, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि कोई किसी को किसी सामाजिक सोच के हिसाब से कोई स्टैंड नहीं लेना पड़ता, कि आपको ये नहीं कहना पड़ता कि आप करप्शन के खिलाफ है, बहुत अच्छा। आपको ये नहीं कोई पूछता कि आप हिंदुस्तान में अमीर गरीब में जो इतना फ़र्क है, इतनी जो गरीबी है, इसके आप खिलाफ है कि ये आपको लगता है ठीक है? आप प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर को हटाने के खिलाफ है या इसके फेवर में? ये सवाल नहीं, आपको जवाब नहीं देने पड़ते ना, बहुत आसान है। करप्शन के खिलाफ खड़ा होना बहुत आसान है।